हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रियान अपनी जॉब के लिए पंजाब से मॉस्को आया था, जहां वो इंटरव्यू देकर घर आने के लिए ट्रेन का वेट करता है और रात बहुत थी, इसी के साथ ठंड भी बढ़ जाती है। तभी एक ट्रेन आती है और वो स्टेशन पर खड़ा होता है। कुछ मिनट रुक के ट्रेन चलने लगती है, तभी एक खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की भागते हुए ट्रेन की तरफ आती है, लेकिन वो ट्रेन पकड़ पाती इससे पहले ही ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। रियान उसके पास आकर बोलता है, हे, आर यू ओके? रियान जैसे ही उसकी चेहरे की तरफ देखता है तो उसे लीजा का चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं लगता। तभी लीजा बोलती है, What are you saying? Sorry, I can't understand. My train, miss. Oh, okay. Don't be sad. I will help you. Come with me. लीजा स्माइल करती है और उसके साथ चलना शुरू करती है, जिसके बाद वो रियान के साथ एक कैफे में जाती है और रियान के साथ कॉफी पीती है। और रियान उसे देखकर मन में बोलता है, पलका तिकिया तिकिया ते अखा निकिया निकिया, जदो ओने मैनू तकिया मेरा पाड़ के सीना रखिया। उसे ऐसी देखता देख लीजा शर्मा जाती है और बोलती है, छोटू खाखा, नथिंग, आई मीन यू आर सो ब्यूटीफुल, स्पेशल। हुन की कहां मैं तैनू, मेरी भाषा ता तेरे पल्ले भी नहीं पैनी, मेरा दिल ही सीने चो कड़ के लेगी, हुन हसी तेरी ने मेरी जान भी। आर यू सेइंग समथिंग टू मी? नो, वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी भी समझ आती है, मेरी माँ इंडिया से थी। ओ वाह जी वाह, तो व्हाट इज योर नेम? लीजा पेटरनोस्की, एंड यू? रियान। ऐसे ही दोनों आंखों आंखों में बातें करते हैं, जिसके बाद रियान अपने बैग से डायरी निकालता है और एक खाली पन्ने पर एक बोट और समुद्र की ड्राइंग बनाता है और लीजा को दिखाते हुए बोलता है, लीजा हमारे पास बहुत समय है, आज पूरी रात बाकी है, हम यहाँ जा सकते हैं। जिसके बाद दोनों चलकर उस ड्राइंग वाली जगह पर पहुंचकर बोट में बैठते हैं। ठंडी हवा लीजा के चेहरे को छूकर निकलती है और उसके बालों को उड़ाती है, जिसे देखकर रियान मन में सोचता है, चंदन दा लगदी बाग भई, मेरी सूती किस्मत जाग भई, मैं होशा सब भुला लिया, एक मिली मैनू अप्सरा, कन्ना दे विच वालियां, जुल्फा कालियां कालियां, गोरा गोरा चामी, जिवे ठंड च रामी, शहर ओदा मोस्को, बड़े जादू है उसको। लीजा अपने बालों को सवारते हुए रियान को देखती है, तभी बोट को धक्का लगता है और लीजा गिरने ही वाली होती है कि रियान उसे अपनी बाहों में संभालता है और लीजा बोलती है, तुम ना होते तो मैं गिर जाती, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। यस। बोट की सवारी करके दोनों बोट से उतरते हैं, तभी रियान लीजा से बोलता है, ओके, तो ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, आई थिंक हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। ओके, जहाँ तुम ले जाना चाहो वहीं चलते हैं। ओके, चलो। दोनों मॉस्को की खाली सड़कों पर जब चलते हैं, तो एक फकीर उसे बोलता है, बेटे प्यार में कुछ नहीं रखा। उसकी बात सुनकर लीजा कहती है, प्यार अगर सच्चा और नेक मिल जाए तो जिंदगी सवार देता है। लीजा की बात सुनकर रियान मुस्कुराता है और दोनों जब चलते हैं तो हल्की फुहार बरसने लगती है। लीजा आगे बढ़कर झूमती है और रियान पन में बोलता है, थोड़ा थोड़ा मी पिया, ओनू छूनू जी पिया, थोड़ा थोड़ा मी पिया, ओनू छूनू जी पिया, मेरे कोलो लंगा फकीर एक, कहंदा छड़ इश्क विच की पिया, मैं ओदी नी मनी गल भई, मैं क्या अगे नू चल भई, एक मिली मैनू अप्सरा। इतना सोचकर रियान उसके पास जाके बोलता है, लीजा चलो चले। चलो चलो। दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं और ठंड बढ़ती है, बेंच पर दोनों जाकर बैठ जाते हैं और लीजा को बहुत ठंड लगती है, जिसके बाद रियान आसपास लकड़ियां ढूंढता है और किस्मत से उसे कुछ सूखी लकड़ी मिलती है, वो उनको ले जाकर लीजा के पास रखता है और जलाने की सोचता है, जिसके बाद वो पॉकेट से माचिस निकालता है जिसमें एक ही तिल्ली थी, जिसके बाद वो देखता है कि लीजा ठंड में ठिठुर रही है और वो अपनी शायरी की किताब निकालकर उसके पन्ने फाड़कर उसमें आग लगा देता है।
जिसके बाद लीजा बोलती है, थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ जॉब के लिए आया था, मेरा इंटरव्यू था और मुझे जॉब भी मिल गई। वाओ नाइस, पर मेरी वजह से तुम्हारी रात खराब हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, आज की रात तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। वो क्यों? आज रात मुझे तुम जैसी अप्सरा जो मिली है, तुम किसी ख्वाब से कम हो क्या? तुम्हारी आँखें, बातें और पूरे की पूरी तुम जादू हो, जादू। सच? एकदम सच। इतना कहकर दोनों शर्माते हैं और आँख को देखकर रियान दिल ही दिल में बोलता है, एक शायर ले ये पाप है, एक शायर ले ये पाप है, पापी कहेगा जग गई, ठंड सी ओनू लगदी पई, मैं मेरी डेरी नू लाती आगी। हाय किन्ने मेरे शेर मर गए, हाय किन्ने मेरे शेर मर गए, किन्निया गजला मर गया, जो किसे तो होया नहीं, ओ ओदियां जुल्फा कर गया, एक मिली मैनू अप्सरा। बढ़ते कोहरे को देखकर लीजा अपने बैग से शॉल निकालती है और रियान के साथ शेयर करके ओढ़ लेती है, जिसके बाद दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ती है और रियान लीजा से बोलता है, लीजा एक सॉन्ग सुनोगी? जरूर। ओके इसे लगाओ कान में। हम्म। ओके समझने की कोशिश करना, गाना नहीं फीलिंग्स है मेरी। ओके प्ले करो। रियान गाना प्ले करता है और लीजा बातें करते करते गाने को सुनती है, तभी लीजा की आंख लग जाती है और वो रियान के कंधे पर सो जाती है, जिसके बाद रियान उसे अच्छे से शॉल उड़ा देता है और उसके चेहरे को देखकर मन में बोलता है, फिर ऐसी कमाल चीज हुई, फिर ऐसी कमाल चीज हुई जो कदे मेरे नाल होई ना, ओनू आ गई नींद वही पर सिराना कोई ना, फूला दी एक टोकरी, फूला दी एक टोकरी, फिर वजी मेरी बात है, ओ अद्धा घंटा सुती रही मेरी सज्जी बात है, उन बा मेरे नू धोना नहीं मैं, चाहे लंगन सत दिवालियां, एक मिली मैनू अप्सरा। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुबह होती है, लीजा की ट्रेन का टाइम हो जाता है, दोनों भाग के स्टेशन जाते हैं और वहाँ बेंच पर बैठते हैं, जिसके बाद लीजा बोलती है, रियान अपना पेन और पेपर देना। ओके। लीजा उस पेपर पर हर्ट और क्वेश्चन मार्क बनाती है और पेपर को फोल्ड करके रियान को देती है, जिसके बाद वो ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है और उसके बाद जैसे ही लीजा कुछ दूर जाती है, रियान उस पेपर को खोल कर देखता है और लीजा का इशारा समझ जाता है। लीजा पीछे मुड़कर देखती है और रियान हंसता हुआ अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करता है। लीजा भागती हुई आकर उसके गले लगकर बोलती है, चाहे किसी ने देख ली दुनिया या खुदा देखा है, जिसने तुम्हें नहीं देखा फिर क्या देखा है, गलत हुआ जाने जो इकरार नहीं होता, मुझे लगता था पहली नजर में प्यार नहीं होता, पर मुझे हुआ है और वो भी एक रात में तुमसे। मुझे भी लीजा, तुम ही हो मेरी अप्सरा। इतना कहकर वो उसके माथे को चूमता है और अपने घर वालों की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं और रियान को अप्सरा जैसी बहू मिल जाती है। वैसे तो इशिता काफी समझदार थी, पर जहाँ पर संतरे रंग की संतरे वाली टॉफियों की बात आती, उसको बच्चा बनने में टाइम नहीं लगता था। वो जहाँ कहीं भी जाती तो सबसे पहले उसकी नजरें उन्हीं टॉफियों को ढूंढा करती। वैसे तो इशिता अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी, पर उसका झुकाव अपनी माँ से कम और कबीर की माँ कमलेश से ज्यादा था। कबीर उसके बचपन का दोस्त था, हालांकि कबीर उसे बेहद प्यार करता था, पर वो कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। ऐसे ही एक दिन इशिता कबीर के घर जाती है और कमलेश से बोलती है, आंटी आपने खाने में क्या बनाया है आज? खुशबू तो बड़ी डिलीशियस आ रही है। अरे तेरे मनपसंद पनीर और आलू नान बने हैं। वाओ, पर आपका वो नालायक बेटा कहाँ है? आने दो उसको, तभी खाएंगे। अरे गया है वो मार्केट तेरे लिए संतरे की टॉफी लेने, खत्म हो गई थी घर में, और वैसे भी तेरा तो मन नहीं भरेगा ना उस टॉफी के बिना। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद कबीर उसकी टॉफी ले आता है और उसको दिखाकर वापस अपनी जेब में रख लेता है, जिस पर इशिता बच्चों की तरह जिद करने लगती है
और कबीर से कहती है, क्या कबीर, मेरी टॉफी देना। एक ही शर्त पे मिलेगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, अब तो दे दो मेरी टॉफी। अरे पहले मेरी शर्त तो सुन ले मेरी माँ। मेरी शर्त ये है कि तू अब से डेली बस एक ही टाइम टॉफी खाएगी। मेरी और मेरी टॉफी के बीच में दीवार खड़ी करने वाले तुम होते कौन हो, बताओ मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा। अबे ओ नौटंकी, ये अपना नाटक कहीं और दिखाइयो। पर हाँ, ये टॉफी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, समझी। चल फिर मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, आज के बाद जब भी तू ये टॉफी खरीदेगा ना, तो एक नहीं बल्कि इसके दर्जन पैकेट ले लेना, ताकि तुझे बार बार ना खरीदनी पड़े, टेंशन फ्री हो जाइयो। इतना बोलकर इशिता उससे टॉफी लेकर उसे अपने बैग में रख लेती है और सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इशिता अपना बैग उठाकर वापस अपने घर लौट जाती है। उसके घर में आते ही उसकी माँ सुनीता उससे बोलती है, आ गई तू, इस टाइम आई है, जरूर कबीर के घर से खाना खाकर ही आई होगी तू। हाँ सॉरी, आज फिर मैंने आपको नहीं बताया, पर कल सुबह से पक्का मैं अपने हिस्से का खाना खा लूंगी। इतना बोलकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड सतिंदर से फोन पर बातें करने लगती है और वो उससे कहती है, बेबी आखिर तुम कब अपनी टॉफी की फैक्ट्री खोलोगे, कब तुम अपने पैरों पर स्टैंड होगे, कब तुम मुझे सबसे मिलवाओगे, बताते क्यों नहीं हो, बोलो ना। इशिता बस कुछ ही दिनों की बात है और तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, बस कुछ दिन और, मेरे बारे में किसी को मत बताओ, मेरा काम होते ही मैं खुद सबसे मिलवाऊंगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम्हें तो पता है ना। दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद इशिता अपने घर में तैयार होकर सतेंद्र से मिलने चली जाती है। वो दोनों सुपरमार्केट के पिज्जा हट में एक दूसरे से मिलते हैं और गले लग जाते हैं, साथ ही पिज्जा खाने लगते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। एक दूसरे के साथ वो लोग बेहद सारा अच्छा खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। तभी इशिता टॉफी निकाल कर खाने लगती है और जैसे ही सतेंद्र उसको कुछ बोलने जाता है, वो उसके मुंह में भी एक टॉफी डाल देती है और बच्चों की तरह हंसने लगती है। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर सतेंद्र कहता है, तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान और इन टॉफी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है, और प्लीज यार मुझे ये टॉफी ना दिया करो, मैं एक लौता इंसान हूँ जिसको ये टॉफी ना पसंद होगी। पर मुझे तो पसंद है ना। हाँ हाँ, तभी तो इसी टॉफी की फैक्ट्री खोलनी है, ताकि तुम इसमें डूबी रहो। कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पर कबीर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर कबीर के पूरे तन बदन में आग लग जाती है। वो तुरंत सतिंदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसका अच्छे से बैकग्राउंड देखकर और ये जानने के बाद भी कि इशिता उससे बेहद मोहब्बत करती है, वो उन दोनों को अलग करने की सोचता है और मन ही मन बोलता है, इशिता तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे इसको तुमसे दूर भी करना पड़ा तो मैं हर कीमत पर तुम्हें इससे दूर करने के लिए कुछ भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को अलग करने के लिए कबीर कुछ गुंडों को सतिंदर की सुपारी दे देता है और उनसे कहता है, उस जाहिल इंसान को इतना मारना कि वो सपनों में भी सीता का नाम ना ले, पर हाँ याद रखना उसको कुछ होना नहीं चाहिए, जान से मत मार देना। वो गुंडे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कबीर ने उन्हें बताया था। और शाम को जब सतिंदर ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो गुंडे रास्ते में उसे घेर लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं, साथ ही हाथापाई में सतिंदर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सर पैरों पर गहरी चोटें आती हैं, जिसके कारण वो काफी दिनों तक इशिता से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। साथ ही इशिता को ऐसा लगता है कि सतिंदर ने उसे धोखा दिया है और इशिता उसकी यादों को मिटाते हुए खुद से कहती है, मुझे धोखा देकर भाग गए, भगाड़े हो तुम एक नंबर के, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ। ये सब कुछ कबीर छुपकर देख रहा होता है।
साथ ही मौके का फायदा उठाकर अपनी और उसकी माँ से शादी की बात कर लेता है। दोनों की फैमिलीज खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लेकिन कमलेश इशिता से जाकर बात करने के बारे में सोचती है और उसके पास जाकर वो उससे कहती है, अरे इशिता, मेरा कबीर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। मुझे पता है कि तुम भी कबीर से बहुत प्यार करती हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? अरे मैं तेरे और कबीर की शादी की बात कर रही हूँ, और वैसे भी तेरा जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं तेरे मुँह से सुनना चाहती हूँ। इशिता कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बहुत देर तक सोचकर और अपनों की खुशियों को देखकर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का करके उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी की डेट आ जाती है और शादी वाले दिन सतेंद्र हॉस्पिटल से सीधा इशिता के घर आ जाता है, जहाँ उन दोनों की शादी हो रही होती है। सतेंद्र को ऐसी हालत में देखकर इशिता शादी के मंडप को छोड़कर सीधा उसके पास जाकर उससे बोलती है, सतेंद्र, इतने महीनों से कहाँ थे तुम? आखिर तुम्हें एक भी दिन मेरी याद नहीं आई, बताओ। इशिता, अपने प्यार के कई दुश्मन हैं और कुछ तुम्हारे अपने, ये सब कबीर का किया हुआ है। सतेंद्र वहाँ खड़े सभी लोगों को कबीर की सच्चाई बता देता है, साथ ही अपने और इशिता के रिश्ते के बारे में भी। अपने बेटे की हकीकत जानने के बाद कमलेश बिल्कुल टूट जाती है और वो अपने बेटे की ओर से सभी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। अपनी माँ को सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए देखकर कबीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों के लिए भी सबसे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करना तुम दोनों। इशिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें पाने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं भूल गया था कि सच्चा प्यार हासिल नहीं किया जाता, अपने सच्चे प्यार के लिए उनको उनकी खुशी देनी होती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। कबीर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है और उसी मंडप में जहां पर कबीर और इशिता की शादी होने वाली थी, वो उन दोनों की शादी करवा कर उनकी शादीशुदा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। साथ ही सतेंद्र अपनी संतरे की टॉफी की इशिता के नाम से फैक्ट्री खोलता है और इशिता अपनी टॉफी और अपने सतेंद्र के साथ हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।